को मैं किसी के प्यार में शो की लीड एक्ट्रेस आयशा सिंह के ऊपर उठा बड़ा सवाल। फैंस ने पूछ लिया आयशा सिंह से ये क्वेश्चन, तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, गो मैं किसी के प्यार में शो से निकलने के बाद आयशा सिंह किसी भी रियलिटी शो, किसी भी डेली सोप, किसी भी इवेंट में नज़र नहीं आई हैं। हालाँकि आयशा सिंह सीरियल्स को, कुछ शोज़ को प्रमोट करते ज़रूर नज़र आई थी। आयशा सिंह ने प्रणाली राठौड़ के नए शो दुर्गा को लेकर बेस्ट विशेष दिया है, जिसके बाद आयशा को कुछ इस तरीके से सवाल भी पूछे गए और वो भी उनके लॉयल फैंस की तरफ से। आखिर क्या था वो सवाल, आखिर क्या है वो बड़ी वजह जिसके चलते आयशा सिंह नहीं करना चाह रही हैं टेलीविजन में कमबैक? तो ये है वो बड़े रीजन। आयशा सिंह ने प्रणाली राठौड़ को दरअसल गुड विश दिया है उनके बेस्ट शो के लिए, उनके नए फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, जिसके बाद यहां पर कमेंट की बौछार हो गई और आयशा के फैंस अब ये कमेंट करने लगे कि मैम आपका कमबैक कब होगा, आप टेलीविजन पर कब कमबैक करोगे, सालों हो गए हैं, सभी ने कमबैक कर लिया है लेकिन आपने अब तक कमबैक नहीं किया है। और आयशा सिंह के नहीं कमबैक करने का सबसे जो मेजर रीजन है, आयशा सिंह ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में भी इस बात का खुलासा किया था, शी वॉज वर्किंग विद अ वेरी फाइनेस्ट प्रोड्यूसर एंड वेरी फाइनेस्ट शो। और आयशा सिंह चाहती है कि वो समय लें लेकिन कुछ अच्छे प्रोजेक्ट के साथ, अपने फैंस के साथ वो धोखाधड़ी ना करे, अपने फैंस के साथ वो न्याय करे। जिसके चलते आयशा सिंह ने कहा कि मैं फिलहाल के लिए थोड़ा सा वक्त ले रही हूं, अपने फैमिली को वक्त दे रही हूं, अपने दोस्तों को वक्त दे रही हूं। आयशा सिंह के जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो ऐश्वर्या शर्मा हो या फिर नील भट्ट जो उनके को एक्टर रहे थे, वो भी कई बार शोज में कमबैक कर चुके हैं। हालांकि आयशा सिंह को लेकर कई बार ये रूमर्स भी फैलाए गए कि आयशा सिंह बिग बॉस में एंट्री लेने वाली हैं या फिर किसी बड़े रियलिटी शो का हिस्सा बनने वाली हैं, लेकिन अब तक आयशा सिंह ने किसी भी तरह से किसी भी शो को हरी झंडी नहीं दी है। और यही वो छटपटाहट है फैंस में कि आयशा सिंह आखिर कमबैक कब करेंगी। प्रणाली राठौड़ जो ये रिश्ता क्या कहलाता है शो से निकलने के बाद भी वो नए शो के साथ वापसी कर रही हैं, इवन दो कि आयशा के सारे को एक्टर्स जो हैं वो भी कमबैक कर चुके हैं, लेकिन आयशा सिंह ने जो रीजन बताया है, जाहिर सी बात है आयशा सिंह के पास एक बहुत ही बड़ी मास फैन फॉलोइंग है जो आज भी आयशा से कनेक्टेड है और आज भी आयशा सिंह को देखना चाहती है टेलीविजन पर वही रूप में, वही अंदाज में, और जिसके लिए आयशा सिंह अपने फैंस को बेसब्री से इंतजार करा रही हैं। हालांकि आयशा सिंह ने भी अपने फैंस को इस बात का हिंट दिया है कि वेरी सून, बहुत ही जल्दी उनका कमबैक होगा धमाकेदार एंट्री के साथ। फिलहाल के लिए आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आप भी आयशा को मिस कर रहे हो स्मॉल स्क्रीन पर? किस शो में आप देखना चाहते हो? क्या लगता है आपको कौन सा होना चाहिए आयशा का फ्यूचर प्रोजेक्ट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।